नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीकू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप एक विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं डीजे साउंड के ऊपर। मैंने ये अपने फ्रेंड का एक डीजे साउंड पे विजिटिंग कार्ड बनाया है, तो इसको कैसे बनाना है चलिए शुरू करते हैं। विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए मैं सबसे पहले फाइल में जाकर न्यू फाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला आप यूनिट चुन लीजिए। यहाँ मैं एमएम में चुन रहा हूँ। विजिटिंग कार्ड की साइज होती है, उसकी साइज होती है, चौड़ाई होती है उसकी 90 mm और 54 mm उसकी ऊंचाई होती है। ये लिखने के बाद में एंटर कर लेना है, आपको जो साइज है वो विजिटिंग कार्ड की साइज आ जाएगी। इसलिए आप जो बॉक्स है रेक्टेंगल, इस पर डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करेंगे तो जो आपकी पेज है उसके चारों तरफ बॉक्स बन जाएगा। F4 करके इसको बड़ा कर लीजिए। उसके बाद में मैं मेटल ले लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। ये मेटल मैंने ऑलरेडी टाइप करके बना कर रखा हुआ है, तो जिससे टाइम बचेगा। तो उनको डिजाइन बनानी है ये वाली, ये इस तरह से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे ये ब्लैक कलर है CMYK, क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे एक पट्टी दे देते हैं, ये आप यहाँ ऊपर से पकड़ कर नीचे ला सकते हैं, और राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। जो यहाँ से मैं कलर डाल देता हूँ, इसकी आउटलाइन खत्म करने के लिए यहाँ पे क्रॉस बटन है, तो यहाँ पे अगर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर जो होती है, इसकी लाइन होती है, बढ़ जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर एक गोला बनाना है, तो यहाँ से आप गोला ले लीजिए, और यहाँ कंट्रोल के साथ में अगर इसको गोला बनाओगे तो बनेगा। ये बनाने के बाद में इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन बनाने के लिए राइट क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर का, इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए तो एक आउटलाइन पेन का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे एक, दो और तीन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, और फिर यहाँ से भी एक क्लिक कर लेना दोनों, और यहाँ से साइज को अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। मैं 4 PT ले रहा हूँ और ओके कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अपने हिसाब से मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से ही है, और कंट्रोल के साथ में सॉरी इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें पावर क्लिक का ऑप्शन है, पावर क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं तो ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद में मैं सबसे पहले ये जो गाड़ी का फोटो है, इस गाड़ी के फोटो को इसके अंदर डाल देता हूँ। तो इसके लिए आप गाड़ी के फोटो के ऊपर राइट क्लिक करना है, और पावर क्लिक करके इसके अंदर आप क्लिक कर लेना है। फिर पावर क्लिप के अंदर जाने के लिए आपको इस बॉक्स के ऊपर ही कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है माउस का, या आपको जाना है इफेक्ट के अंदर, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, और पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड जा सकते हैं, या एडिट पावर क्लिप में जाना है, सॉरी पावर क्लिप में जाएंगे तो ये अंदर आ जाएगा। उसके बाद में मुझे बॉक्स के अंदर ये फोटो को लाना है, तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और पावर क्लिप वापिस से करेंगे, और बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉक्स के अंदर वो फोटो आ जाएगा। उसके बाद मैं शॉर्टकट बताया कि कंट्रोल के साथ में अगर उस पावर क्लिप के अंदर जाना है तो क्लिक करेंगे तो अंदर चला जाएगा। उसके बाद में आप इस फोटो को बड़ा कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए फोटो को, तो मैं यहाँ से ये एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो ये हो गया है लगभग एडजस्ट, फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन टेल। मैं हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद में अगर आप कंट्रोल के बाद साथ में वापस से क्लिक करोगे तो वापस से क्लिक हो जाएगा। मैं इसको वापस से थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। इन द ग्रेट आउटडोर उसके बाद में कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, एक बार बॉक्स से वापस से क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि गोला वापस अंदर जाते हैं, और ये गोला है जो ऊपर आना चाहिए, इसको भी पट्टी को भी मैं अंदर डाल देता हूँ। कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा, और पावर क्लिक करके इसको अंदर डाल दूंगा,
उसके बाद में वापस अंदर जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करना है और बॉक्स को ऊपर लेकर आ जाता हूँ मैं। तो इस तरह से दिखाई देगा, इसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पट्टी ऊपर ही रहे तो उसके लिए आप वापस से पट्टी को ऊपर ला सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी टूल बटन है, इस पर आप क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा, आप जितना चाहो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर ही लेकर आ जाता हूँ, घोड़े को कंट्रोल पेजअप करके इसको ऊपर ला सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है छाया का, ड्रॉप शैडो का, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करके आप यहाँ से पकड़ इसको ऊपर ला सकते हैं। ऊपर लाओगे तो इसमें छाया बन जाएगी इस तरह से, इसको एडजस्ट कर लेना इस हिसाब से और क्लिक करके फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये बार आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ चौधरी लिखा हुआ है, ये मैं फॉन्ट है इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको क्लिक करके उसके बाद में डीजे साउंड वगैरह भी लिखा हुई है मेरे, आप भी लिख सकते हैं इसको। फोन का आप देखना चाहो तो उसको मैं फोन को बता देता हूँ कि कौन से फोन है। ये फोन तो फोन लिए हुए हैं AMS हस्तकला नाम से फोन है, इसको आप देख सकते हैं। और ये घोड़े बने हुए हैं, ये घोड़े वगैरह देख कर मैं कंट्रोल जी करके इसको सेट कर लेता हूँ वापस से। उसके बाद में यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ वाइट कलर दे देता हूँ उसको। एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में फ्लावर सेट करना है यहाँ पीछे, ये फ्लावर के लिए मैं फ्लावर सेट कर लेता हूँ। वाइट कलर दे थोड़ा सा 90% रेड कलर दे दिया। ये देने के बाद में थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके और क्लिक कर लेता हूँ उसको अंदर बॉक्स के अंदर, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पता है तो पता है के लिए मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ उसको, इस पर क्लिक करके यहाँ लिख रहा हूँ। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है तो आराम से आप टाइप कर सकते हो। इसका फॉन्ट के बारे में याद है भारतीय हिंदी 051 है, फॉन्ट आप कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। उसके बाद में यहाँ से ये दोनों नंबर है, मोबाइल नंबर है, इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। उसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से कलर सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर का कलर ये आ जाए, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में ये फोटो के हिसाब से सेट कर लेते हैं। फोटो के लिए मैं गोरा बना लेता हूँ, कंट्रोल दबा कर गोरा बनाएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे तो बॉर्डर कलर आ जाएगा। उसके बाद में इसमें कंट्रोल दबा कर अगर घोड़े को अंदर डालूंगा, अंदर लूंगा तो इसमें अंदर की तरफ खींचूंगा तो एक घोड़ा बन जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो एक घोड़ा बन जाएगा। उसके बाद में मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और क्लिक से अंदर वाले घोड़े पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में इसको सेट कर लूंगा, इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया। तो आप घुमा कर सेट भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो बॉक्स बाहर आ जाएंगे। इसको आप खोले अंदर कोई भी कलर कर सकते हैं। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसी प्रकार इसको अगर खींच कर अंदर लाना है, नीचे लाना, कॉपी करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आ जाएगा। दोनों को मैं छोटा कर लेता हूँ हिसाब से, और इस घोड़े को इसके बराबर करना है। सिक्के के साथ इसको सेट करूंगा और टी कर लूंगा, करके टी कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया वापस से, इसी प्रकार इनको दोनों को सेट करेंगे और टी कर लेंगे और सिक्के के साथ दोनों को टी कर लेंगे, दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार इसको पकड़ कर इसके अंदर डालना है। इसके लिए
वीडियो को राइट क्लिक करेंगे, पॉज पे जाएंगे और इनसाइड बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब अंदर जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। पीछे वाला फोटो को मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस तरह से फोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे बार, तो ये एडजस्ट हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चीप रेस करेंगे और ऊपर से अगर आप खींचोगे तो कलर आ जाएंगे। आप नीचे वाले व्हाइट कलर पे वो भी कलर चेंज कर लो, जैसे रेड चुन लिया इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसमें विस्टिंग कार्ड बनाकर मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उसी प्रकार की डिजाइनिंग के कंप्यूटर संबंधी ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधी ई मित्र फॉर्म भरने संबंधी वीडियो मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।